पहले तो जो डेढ़ साल दो साल जो पहले पद्मावत के समय हमारे जो आंदोलन हुए थे उस समय काफ़ी लोगों को कुछ गलत मैसेज भी गए थे कि करनी सेना सिर्फ गुंडों की सेना है और वो सिर्फ तोड़फोड़ के अलावा दूसरे कोई काम नहीं करती। लेकिन पिछले डेढ़ साल से जब से करदी सेना एक्टिव हुई है महाराष्ट्र में या आप बाकी 18 प्रदेश में भी हमारी सेना है तो वहाँ पे जो हम लोगों ने सामाजिक कार्य किए उसके ऊपर उतना फोकस हो नहीं पाया है। बाकी जहाँ सिर्फ जब मुद्दे आते थे जहाँ आंदोलन होते थे सिर्फ उतना ही फोकस होता था, लेकिन जो समाज कार्य होता था जैसे एजुकेशन फील्ड में या मेडिकल फील्ड में हमारी जो समाज सेवा पिछले डेढ़ दो साल से कंटिन्यूसली चल रही वो कभी सामने फोकस नहीं हुई। तो 31 ये अभी मार्च में 10 मार्च से 31 मार्च के बीच में हमारा एक बड़ा सा बहुत बड़ा कार्यक्रम हम मुंबई में लेंगे, उसमें हम लोगों के इसमें हमारी एक वेबसाइट और एक हमारा ऐप लॉन्च होगा जिसमें ये सारी चीज़ें फोकस होगी और जो भी समाज से सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं महाराष्ट्र के अंदर में जो भी उस चीज़ से पीड़ित हो उनको वो समाज को और हमारे हिंदुस्तान को करदी सेना का वो मदद का हाथ उस ऐप के थ्रू उस वेबसाइट के थ्रू पहुँचे वो हमारा उद्देश्य होगा। सर जैसे कि आपने कहा कि सिर्फ मारपीट के लिए करनी सेना को मतलब कौन है जो इस तरह का माहौल बना रहा है? देखिए मैं यहाँ किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, जब नाम होता है तो लोग उसको बदनाम करने की काफ़ी कोशिश करते हैं और मेरा फोकस अपने कामों पे ज़्यादा होता है ना कि उन लोगों पे जो उसको बदनाम कर रहे हैं। मेरे अच्छे कार्य भी उनको जवाब दे देंगे तो किसी को नाम लेके मैं वो करनी सेना को यूज़ इसलिए किया। हमारे सुप्रीमो क्षत्रिय हृदय सम्राट सन्मान्य सुदर्शन दादा गोगामेड़ी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सन्मान्य योगेंद्र सिंह कटार साहब इनके नेतृत्व में आज पूरे भारत में करीब करीब पूरे राज्यों में काम कर रही है। महाराष्ट्र में भी कम से कम 3 साल से जोर शोर से अच्छी तरह से काम चल रहा है। जो पद्मावत का आपने मुद्दा उपस्थित किया है हमें सुखदेव दादा ने एक ही चीज़ सिखाई है कि आप अपना काम करते रहो, हम ना पॉलिटिक्स करते हैं ना किसी के पीछे भागते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारे करनी सेना के माध्यम से यहाँ के युवाओं को यहाँ के राजपूतों को अगर आपको एक बात हम लोग बोलेंगे महाराष्ट्र में करीब करीब 8.5% मुंबई के साथ राजपूत समाज की या मौजूदगी है, मगर ये राजपूत समाज महाराष्ट्र में रहने वाला राजपूत समाज करीब करीब 12 पोट जातियों में अलग अलग जातियों में मतलब अलग अलग पोट जातियों में विभागा हुआ है। तो उन सबको इकट्ठा करने का काम अभी हमने अर्जुन सिंह जो प्रदेशाध्यक्ष है और शहरी प्रदेशाध्यक्ष जीवन सिंह सोलंकी इनके कंधे पर ये जवाबदारी दी है कि सारे समाज को एक साथ लाना जरूरी है। जब तक हम एक साथ नहीं होंगे तब तक हम लोग समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे और वही चीज़ आज पूरे भारत में सुदर्शन दादा गोगामेड़ी कर रहे हैं। वही उनके कदमों पे हम लोग चल के महाराष्ट्र में जो पद्मावत के माध्यम से करनी सेना क्या चीज़ है सबने जाना है। जैसे भाई साहब ने भी पूछा कि कौन आपके खिलाफ अपप्रचार कर रहे, जो शक्ति करनी सेना के काम से असंतुष्ट है वो लोग चाहे वो कोई भी हो हमारे समाज के हो या दूसरे समाज के हो ये सारे लोग ये चीज़ करते रहते। हमने आज तक करनी सेना के माध्यम से कई अच्छे काम किए, अच्छे अच्छे नासिक हो नंदुरबार हो चाहे सिरपुर हो धुलिया हो चाहे जलगांव हो और नागपुर हो कई जगह अच्छे बड़े बड़े सम्मेलन लिए। उस सम्मेलन के माध्यम से क्योंकि महाराष्ट्र में जो आरक्षण का मुद्दा आता है महाराष्ट्र के राजपूतों को आरक्षण का मुद्दा OBC में उनका समाविष्ट किया हुआ है विजय एंटी में, मगर वो जो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए वो अच्छी तरह से मिलता नहीं। मगर करनी सेना के माध्यम से औरंगाबाद में हमने जब लास्ट ईयर में एक सम्मेलन लिया था उस सम्मेलन के माध्यम से करनी सेना के माध्यम से करीब करीब 1500 लोगों को फ्री ऑफ चार्ज 1 रुपये भी नहीं लगने के बावजूद एक फ्री ऑफ चार्ज सर्टिफिकेट वहाँ दिए गए थे। मतलब अच्छे जो लोगों की ज़रूरत है समाज की सेवा करने का काम श्री राष्ट्रीय राजपूत सेना करती है। करनी सेना अब महाराष्ट्र के हर नक्शे में दिखेंगी। करनी सेना पूरे भारत में और महाराष्ट्र में एक ताकत बनकर समाज सेवा के रूप में पिछड़े और शोषण लोगों को और गरीबों को और जो असहाय लोग हैं उनको सहायता करके एक अपनी पहचान बनाएंगी और मार्च महीने के प्रथम सप्ताह में एक महासम्मेलन महाराष्ट्र में आयोजन किया जा रहा है, उसी के सिलसिले में हम लोग यहाँ पर आए हैं और महाराष्ट्र के कोने कोने में हर तहसील में करनी सेना की ब्रांच बनेंगी और करनी सेना स्वास्थ्य के साथ साथ एजुकेशन और हर फील्ड में मदद करेगा ऐसे ही मैं अपेक्षा करता हूँ। तो करनी सेना अब जिस तरह से देखा जा रहा है कि भारत के बहुत सारे कोने में जिस तरह से सुखदेव दादा जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो लोगों का एक हुजूम देखने को मिलता है, तो क्या इससे लगता नहीं है लोगों को करनी सेना से बहुत सारी उम्मीदें बढ़ रही हैं? तो उस उम्मीदों पर खड़े होने के लिए आपकी पूरी टीम किस तरह से तैयार होगी? पूरी तरह से तैयार है।